इंसानी इतिहास में सीरियल किलिंग की घटनाएं काफ़ी पुरानी हैं। सीरियल किलर यानी वो व्यक्ति जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को कष्ट देता है, उनकी बेरहमी से हत्या कर देता है। इससे मिलने वाली खुशी को पाने के लिए वो लगातार हत्याएं करता रहता है। इसके लिए वो खास तरीके भी अपनाता है। सीरियल किलर ठग बहराम से लेकर निठारी के नर पिशाच सुरेंद्र कोहली और अब चार्ल्स सोबराज तक अनेकों नाम हमारे सामने हैं। सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज की कहानी क्या है और एक साधारण इंसान कैसे इतना हैवान बन जाता है, इन सभी बातों को हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आखिर इस विषय पर हमें बात क्यों करनी चाहिए, इस टॉपिक पर चर्चा करना क्यों ज़रूरी था, इसके लिए जरा आप इन एनसीआरबी के आंकड़ों पर नज़र डालिए। 2021 में भारत में सीरियल किलिंग के कुल 12 केस सामने आए, इनमें से मध्य प्रदेश में 4 केस दर्ज हुए। इसी साल छत्तीसगढ़ में सीरियल किलिंग के 3, तमिलनाडु में 2 मामले सामने आए और यूपी और गुजरात में 1-1 केस मिला था। 2020 में पूरे देश में सीरियल किलिंग के 30 केस दर्ज हुए थे, जिनमें से गुजरात छत्तीसगढ़ में 7-7 केस, तमिलनाडु में 4, यूपी में 3 और मध्य प्रदेश में 2 केस मिले थे। मध्य प्रदेश में 2019 में सीरियल किलिंग के 2 केस और 2018 में 4 मामले सामने आए थे। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि हमें इस संवेदनशील मुद्दे पर बात करने की ज़रूरत है। अगला सवाल उठता है कि सीरियल किलर होता कौन है, कब किसी को सीरियल किलर कहा जाता है। दरअसल साल 1966 में ब्रिटिश लेखक जॉन ब्रॉडी ने सबसे पहले सीरियल किलर शब्द का प्रयोग किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस ने अलग अलग घटनाओं में 2 या 2 से अधिक मर्डर के सीरीज को सीरियल किलिंग के रूप में परिभाषित किया है, यानी एक मानसिक विकृति से पीड़ित शख्स अपनी संतुष्टि या खुशी के लिए यदि हत्याएँ करता है तो उसे सीरियल किलर कहा जा सकता है। कुछ लोग 3 से अधिक हत्याओं की कैटेगरी वाले किलर्स को सीरियल किलर मानते हैं। सीरियल किलिंग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? मशहूर रिसर्चर स्टीव इगेर ने सीरियल किलिंग की 6 विशेषताएं बताई हैं। पहला, कम से कम 2 हत्या, हत्यारे और शिकार में कोई संबंध ना होना, सभी हत्याओं के बीच जितने किलिंग उसने की है उनके बीच सीधा संबंध होना, कुछ कनेक्शन होना, अलग अलग स्थानों पर हत्याएं किया जाना, पीड़ितों में कॉमन विशेषताएं हो सकती हैं और किसी लाभ के बजाय संतुष्टि के लिए की गई हत्या। सवाल उठता है कि आखिर कोई सीरियल किलिंग करता क्यों है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक सीरियल किलिंग का मुख्य मकसद एक खास तरह की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होती है। ज़्यादातर हत्याओं में पीड़ित के साथ किलर का सेक्सुअल रिलेशन होता है। इसके अलावा क्रोध, रोमांच, पैसा या कभी कभी सिर्फ पब्लिक अटेंशन के लिए ज़्यादातर सीरियल मर्डर किए जाते हैं, यानी ऐसे लोग महज मीडिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसे जघन्य अमानवीय अपराध कर जाते हैं। इन हत्यारों के जीवन में थोड़ा और पीछे जाएं तो इनमें से ज़्यादातर को बचपन में एक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लिहाजा उनके अंदर बचपन से ही अलगाववादी व्यवहार पनपने लगते हैं। उनके ऊपर आसपास के वातावरण और माता पिता के व्यवहार आदि का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऊपर से जब इन्हें अश्लीलता, ड्रग्स या शराब का साथ मिल जाता है तो इनके भीतर एक विचित्र विकृत मानसिकता जन्म ले लेती है। आमतौर पर ऐसे हत्यारे हेडोनिस्टिक, दूरदर्शी, मिशन ओरिएंटेड और पावर चाहने वाले होते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग स्वभाव से बहुत शातिर होते हैं, जिसके कारण ये पुलिस की गिरफ्त में आसानी से नहीं आते हैं। उनको अपने किए पर जरा भी पछतावा भी नहीं होता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल कि सीरियल किलिंग के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है। रिसर्च के मुताबिक कुछ खास जीन ऐसे लोगों को हिंसक बना देते हैं। मोनोमाइन ऑक्सीडेस ए, जिसे संक्षेप में माओवा जीन को वैरियर जीन, और CDS13 नाम के जीन को सीरियल किलर जीन कहा जाता है। कई रिसर्च के मुताबिक MAOA यानी मावा और CDS13 जीन की वजह से व्यक्ति में आक्रामकता बढ़ती है।
हालांकि इस तरह की प्रवृत्ति को जन्म देने के लिए सिर्फ जीन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जेनेटिक्स, सोशल एनवायरनमेंट और क्रिमिनल बिहेवियर तीनों आपस में संबंधित होते हैं और हर अपराधी पर इनका असर कम ज़्यादा होता है। एक अंतिम सवाल जिसकी वजह से आज हम इस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं कि सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज की कहानी क्या थी, भाई चलते चलते एक नज़र उस केस पर भी डाल लेते हैं जिसकी वजह से आज हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज को रिहा करने का आदेश दिया है। बहरहाल जेल अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चार्ल्स को छोड़ने से इनकार कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक कोर्ट का आदेश स्पष्ट नहीं है, इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि चार्ल्स को किस मामले में रिहाई दी गई है। बता दें कि चार्ल्स सीरियल हत्या के आरोप में 2003 से नेपाली जेल में बंद है। जुर्म की दुनिया में बिकने किलर और सीरियल किलर के नाम से मशहूर शोबराज पर भारत, थाईलैंड, तुर्की और ईरान में 20 से अधिक लोगों की हत्या करने का आरोप है। भारतीय पिता और वियतनामी माँ के संतान शोबराज पहचान छिपाने और भेष बदलने में माहिर था। बेहद ही हैंडसम सा दिखने वाला ये हत्यारा पर्यटकों और युवतियों को अपना निशाना बनाता था। पहले उनसे दोस्ती करता था, फिर ड्रग्स देकर उन्हें सुनसान इलाके में ले जाता और फिर उनकी हत्या कर देता। फिर उनके सामान के साथ उनकी आईडी के जरिए पहचान भी चुरा लेता था। उसके द्वारा हत्या की गई जितनी भी लाशें बरामद की गई थीं उनमें से ज़्यादातर डेड बॉडीज बिकनी में पाई गई थीं, इसीलिए शोभराज बिकनी किलर के नाम से मशहूर हो गया। गौरतलब है कि शोभराज 1976 में भारत में भी पकड़ा गया था। उसने भारत में भी मर्डर्स किए थे। उस वक्त उसे 12 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वो 1986 में तिहाड़ जेल से भाग निकला था। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। जैसा कि हमने वीडियो में जाना कि इस तरह की विकृत मानसिकता इंसान में बचपन से ही पनपने लगती है, तो ऐसे में आज का सवाल है कि हमें अपने बच्चों की परवरिश में ऐसा क्या ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी हैवानियत उनके अंदर ना पैदा हो। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।